भाजपा सरकार के कार्यकाल में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी करके पुतला दहन किया। कांग्रेस नेताओं ने उत्तराखंड सरकार पर आरोप लगाया कि भाजपा के कार्यकाल में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, सरकार अत्याचारियों को बचा रही है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के निर्देश पर प्रदेश भर में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये अत्याचार बंद नहीं हुए तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। अमित गुप्ता ने कहा कि भाजपा सरकार के शासनकाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार मणिपुर, हरिद्वार और देहरादून में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, उसमें कई भाजपा नेता भी शामिल हैं और सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जो पूरे प्रदेश में महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, कहीं हत्या हो रही है और इन सब मामलों में कहीं ना कहीं भाजपा के नेता लिप्त हैं, जो खुलेआम दिख रहा है, अंकिता हत्याकांड हो, चाहे हरिद्वार में जो महिला से छेड़छाड़ और दुराचार का प्रकरण हो, चाहे देहरादून का आपका कूड़े में फेंकने वाला प्रकरण हो, तो कहीं ना कहीं इसमें भाजपा के सारे नेता लिप्त है और उनको बचाने के लिए भाजपा सरकार निरंतर दोषियों को सजा नहीं दे रही है। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने और शहर कांग्रेस कमेटी ने आज यहाँ पुतला दहन किया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।